रेसिपी लिखी हुई कोई कुक बुक या कोई कागज में लिखी हुई होगी? सैमी, देखो कौन आया है। मम्मी। सैमी, मेरे बच्चे कितने दिनों बाद मिले हैं? अरे तुम्हारे कान कितने गंदे हैं, और ये गाल पर क्या लगा है चटनी? और तुम जंगली की तरह खाते होगे ना, लो मैं साफ कर देती हूँ। क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगे? दादी से तो आप मिल चुकी हैं, और ये एंथिया है, ये रॉबर्ट है, ये जेन है, और सिरिल, और ये है बेबी। ये हुआ कैसे? हा? ये सीक्रेट रेसिपी की जगह खुद मास्टर शेफ कैसे गई? शायद इन्होंने रेसिपी कहीं लिखी ही नहीं हो। सैमी बचपन में बहुत नॉटी था क्या? हाँ बिल्कुल, एक नंबर का शैतान था मेरा सैमी। पता है बचपन में इतना मोटा था कि इसे सब वाटरमेलन चिढ़ाते थे, और जब भागता था तो इसके लंबे कान पैरों में पहुँच जाते थे। और उसकी फर्स्ट विश दिखाती हूँ, एक गंजे ने चाहा कि उसके बाल आए, और सैमी ने बाल उगाए की जगह भालू आ जाए सुना, सब ऐसे भागे। आप हमेशा बड़ा चढ़ा के बोलती हो मम्मी, अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं मनाना कोई बर्थडे वर्थडे। मैं चला अपने रूम में। क्या यार सैमी, बर्थडे के दिन कोई नाराज होता है? इस कमरे का हाल तो देखो, रूम को कबाड़ खाना बना रखा है। आंटी आप इसे गंदा कहते हो? अगर आप मेरे रूम में आओगी तो आप बेहोश हो जाओगी। सुना आपने, अब भी मुझे 150 साल का बच्चा ही समझती है। ओए चल, तेरी मम्मी कहाँ रोज रोज आती हैं तुझसे मिलने। हाँ सही कहा, बस शाम होने तक की तो बात है, और शाम को विश खत्म होने पर फुल ऑन पार्टी करेंगे, वीडियो गेम्स और पॉपकॉर्न्स। यस बेटा, तूने पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो तुझे पता होता कि फेरीज के लिए विशेष के अलग रूल्स हैं। शाम को मैं जादू से छुमंतर नहीं होने वाली, तो इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते तुम सैमी सू। सैमी सू? आज से तो तुझे हम सैमी सू ही बुलाएंगे डूड। अरे कोई तो हेल्प कर दो, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई बच्चा नहीं रहा। और सबसे जरूरी है पिसी हुई बादाम और दालचीनी भी लगेगी। ओ ये तो सचमुच बढ़िया केक बनाने वाली है। ये ले रॉबर्ट, मैंने तेरे साइंस असाइनमेंट कर डाली है, बस ये ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स को स्पेशियोथर्मेटिक थ्योरी के साथ कंफ्यूज मत करना। मेरा असाइनमेंट? अरे हाँ थैंक्स सैमी, भाई आज सच में तूने बचा लिया यार। मैं क्या बोल रहा हूँ मम्मी, आप बाहर के काम करोगे तो थक जाओगी, अब मैं करता हूँ ना। हाँ? वाह मम्मी की कितनी फिक्र है तुझे सैमी। और क्या, मैं अपना ही नहीं मम्मी का भी ख्याल रख सकता हूँ। अब मुझे अंकल रिचर्ड से कहना होगा कि सैमी समझदार हो गया है। अगर ये अचानक से तुझ में जो समझदारी आ गई है, इसे मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, इसलिए जब तू बाजार जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं भी यही बोलने वाला था मम्मी। बस इतना ध्यान रखना कि सबको यही बताना है कि हम स्वीडिश हैं, सेंट फेरीज नहीं, ओके? तू मुझे मत समझा, तू समझदार है तो मैं तेरी माँ हूँ। मैं जी आपको यहाँ पहले नहीं देखा, पर शक्ल कुछ पहचानी सी लगती है। हाँ मैं मम्मी हूँ इसकी, नन्हे स्वीडिश की। मुझे लग ही रहा था। हाँ। स्वीडन बहुत प्यारा है, कब से मुझे जाना है, सुना है स्टॉकहोम बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है। हाँ सही कहा, वहाँ का मेन बाजार, वहाँ का बड़ा पार्क। क्या हुआ सैमी सू? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लगता है उस बदमाश बिल्ली ने डरा दिया मेरे सैमी सू को। कल ही मैं इसके पापा को बता रही थी कि हमारे सैमी सू का दिल जो है चूहिया जैसा है। आप यकीन करोगे कि जब वो छोटा सा था ना, तो वो बहुत ही डरता। हाँ हाँ आप जानते हो वो कैसी, ये सबको तंग करती रहती है। दादी और दादू इतने भोले हैं कि वो उनके भोले बन का फायदा उठाती रहती है। पापा प्लीज आप आकर उन्हें ले जाइए, सबके लिए अच्छा होगा। और हाँ भूलना मत, याद रखना आप स्टूडेंट से हो। हाँ ठीक है। और फिर भेड़िए ने मेमने से कहा, तो अभी भी बच्चों को बोर कर रही है? पापा आ गए। ओ, चलो शुक्र है कि आप जल्दी आ गए, बुढ़ापे में अक्ल तो आ गई। ओए बूढ़ी होगी तू, मैं तो बस 650 साल का नौजवान हूँ। क्या 650 साल का जवान, ये हुई ना बात। सैमी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मम्मी डैडी इतने मजेदार हैं? देखो अब मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, वो भी इतनी दूर स्वीडन से यहाँ आए हैं।
हमें मंजूर है। इनफैक्ट मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, जस्ट इन केस। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, हम दोनों लाइट हाउस में रहेंगे हमारे सैमी सू के साथ। और हम दोनों भी घर के कामों में हाथ बटाएंगे। आपने हमारे बेटे के लिए इतना किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है। मुझे ट्राई करने दो। लाओ मुझे दो। ओ, इतना बड़ा बॉल। मैं कर देता हूँ। अब पता चला सामी चीजें क्यों तोड़ता है। हाँ, पर जब तक वो ये नहीं देख लेते कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले। आइडिया, एक आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। तुम्हारा मैसेज मिल गया। अंकल रिचर्ड, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इतनी नॉवेल्स लिखते हैं तो शायद आप ही कोई रास्ता निकाल सके, वो भी उन लोगों को निकालने का। ये उन लोग कौन हैं? मेरे मम्मी पापा। तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। ओके, अब इसमें धीरे धीरे आटा डालो। जीन, मुझे लगता है ये डिश थोड़ी छोटी पड़ेगी। ओके ओके, तेरा केक तो तू ही जाने। इसे उल्टी तरफ से घुमाना होगा, नहीं तो गट्ठे बन जाएंगे। रॉबर्ट, तुम लोग यही रहो, मैं अंडे लाता हूँ। ध्यान से डालना, अंडे के छिलके नहीं पड़ने चाहिए, है ना? देखो मैं करके दिखाता हूँ बाबी। देखो, टाटा। ओके, तुमने ये ओवन का टेम्परेचर क्या रखा था? ओके ओके ओके, तेरा केक तो ही जाने। हाँ, रेडी। जायंट सीगल, सब जल्दी से छुप जाओ। जायंट सीगल वो खूंखार है, पिछली बार पड़ोस के डॉगी को उठा ले गया था। जाओ,